दोस्तों, दिन बुधवार, दिनांक 23 फरवरी 2022, चुनाव उत्तर प्रदेश का, चुनाव पीलीभीत की चारों विधानसभाओं का। तो दोस्तों, जनता अपने वोट देने के अधिकार से 23 फरवरी को अपना विधायक चुनने जा रही है और एक नई सरकार बनवाने जा रही है। अब ये मौजूदा सरकार कंटिन्यू होगी या पुरानी सरकारें अपना परचम लहराएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, वोट डालने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा अधिकार केवल वोट डालने का नहीं है, हमारा अधिकार ये है कि हम वोट डालने के अधिकार से एक अधिकार और लेने जा रहे हैं कि अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी बेसिक जरूरतों के हिसाब से या चुनावों में राजनीतिक पार्टियों या राजनीतिक लोगों के द्वारा किए गए वादों को हम चुनाव के बाद जो हमको वोट डालने के अधिकार से जो एक नया अधिकार हमको मिलता है, उस अपने सारे कामों को हम करवा पाएं। मतलब वोट एक हमारा वोट डालने का एक अधिकार है, उस अधिकार के माध्यम से हम एक अधिकार और लेते हैं वोट डालने के बाद, कि जनता के द्वारा जो भी मांगे हैं या जनता की जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं या आने वाले भविष्य के लिए जो भी ज़रूरतें हैं, ठीक है ना, तो उन ज़रूरतों को हम पूरा अपने नेता से या अपनी जो हमने राजनीतिक पार्टी को हम सत्ता में लेके आए हैं उससे हम काम कराने का भी एक अधिकार रखें वोट डालने के अधिकार के बाद, तभी हकीकत में कुछ परिवर्तन आ पाएगा या ला पाएंगे या हो पाएगा। अन्यथा ये समझिए कि कुछ भी बदल पाना संभव नहीं, असंभव है। जब तक आप अपने अधिकार के द्वारा एक नया जो अधिकार आपको मिलता है, उस अधिकार को अगर आप नहीं पहचानेंगे, तो ये समझिए कि आप अपने वोट डालने के अधिकार के बावजूद भी कुछ भी नहीं बदल सकते हैं और कुछ भी नहीं बदल